नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता की परीक्षा की फाइनल रिजल्ट को हाल ही में 7 जून को जारी किया था। इस परीक्षा में 1454 छात्रों ने बाजी मार ली थी। हालांकि इसके लिए लिखित परीक्षा पिछले साल 2020 में ही जुलाई महीने में ही हुई थी, लेकिन कोरोना महामारी से उत्पन्न कई कारणों के कारण और इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट को जारी करने में 1 साल तक का समय लग गया। बहरहाल 64वीं संयुक्त परीक्षा की मेरिट लिस्ट को जारी करने के बाद अब अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इस कड़ी में बिहार पुलिस सेवा के अंतर्गत DSP यानी कि पुलिस उपाधीक्षक के पद पर 40 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जिनके शैक्षणिक एवं अन्य जरूरी प्रमाण पत्रों को जमा करने से संबंधित आदेश आया है। यह आदेश गृह विभाग के आरक्षी शाखा की तरफ से आया है। इसके मुताबिक 18 अगस्त 2021 को सभी 40 अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए पटना के बेली रोड स्थित सरदार पटेल भवन परिसर जाना होगा। यहां परिसर के मुख्य पोर्टिको के भूतल स्थित सभाकक्ष में यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि तय किए गए कार्यक्रम के मुताबिक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 18 अगस्त को की जानी है। यह कार्यक्रम 2 चरणों में होना है। पहला चरण सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा, जो कि 20 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने तक चलेगा। उसके बाद दूसरे चरण में बाकी के बचे 20 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि शाम के 3 बजे से शुरू होगा। इस दौरान किन अभ्यर्थियों को किस पाली में अपने प्रमाण पत्रों को लेकर जाना है, उनके नाम और रोल नंबर को भी जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक सुबह 10:30 बजे जिन 20 अभ्यर्थियों को पहुंचना है, उनके नाम अजीत कुमार, राघवेंद्र, मनी त्रिपाठी, दीपक कुमार, अनिकेत अमर, विशाल आनंद, सुशील कुमार, मोहम्मद आदिल बिलाल, ऋषभ शिवरंजन, राजन कुमार, नीतीश कुमार, आशीष राज, विकास केशव, फैसल रजा, सुचित्रा कुमारी, अजीत कुमार, शैलेश प्रीतम, अवंतिका, दिलीप कुमार, मोहम्मद शहनवाज अख्तर, चांदनी सुमन और विवेक दीप है। इसके अलावा शाम 3 बजे से जिन 20 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, उनके नाम सीमा देवी, अभिषेक कुमार, जया कुमारी, अभिजीत कौर, स्वीटी सिंह, नवनीत कुमार, प्रवीण कुमार, साक्षी राय, राहुल कुमार, आशुतोष कुमार, रीता सिन्हा, अमन चंद्रभूषण, सुमित कुमार आर्य, आशुतोष रंजन, रेणु कुमारी, अनु कुमारी, स्वाति कृष्णा, कृति कमल और रजिया सुल्ताना है। बता दें कि 40 डीएसपी में से बिहार को 13 महिला डीएसपी मिली हैं। आपको बता दें कि आदेश में क्या क्या प्रमाण पत्र लेकर जाना है, यह भी बताया गया है। इसके मुताबिक आपको मैट्रिक, इंटर और स्नातक के रिजल्ट का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र, अन्य हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रमाण पत्र जो कि आपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो, नियोजित होने पर नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुमंडल पदाधिकारी या अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, बिहार राज्य सरकार की नौकरियों से निमित्त डीएम या ऊपर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, बीपीएससी का एडमिट कार्ड, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र की 2 प्रति, अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र कि सभी प्रमाण पत्र सही है तथा आपके विरुद्ध थाना अथवा कोर्ट में कोई केस दर्ज नहीं है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है, इसका प्रमाण देना होगा। हालांकि आपको बता दें कि इन सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ ही अभ्यर्थियों को इन सभी सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड 2-2 फोटोकॉपी भी ले जाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही इस दौरान आने जाने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।